और फीडिंग क्या रखनी है, जो आपको दिसंबर के अंदर आपको फ्लावरिंग हो, तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो उस समय ये पौधे थोड़े डोरमेंसी में चले गए थे, और अब जैसे ही फरवरी मार्च का महीना आया तो इनके अंदर ब्लूमिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ब्लूमिंग फ्लावरिंग हुई है। तो अब जो दोस्तों नया टाइम आ गया है इसके फीडिंग का, तो अब फीडिंग में के लिए तैयार है। अब मैंने एक बार 15 दिन पहले इनको बकरी की खाद का फीड करा था, अब मैं इनके अंदर ताकत फर्टिलाइज़र डालूँगा ताकि इनके अंदर किसी भी तरीके का मिनरल्स की कमी ना हो। और इसका भी मैंने वीडियो एक शेयर कर चुका हूँ कि कैसे इसके अंदर मैंने ताकत फर्टिलाइज़र डाला था, और मैं अभी भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किस रेशो के अंदर आपको ताकत रोज़ फर्टिलाइज़र अपने रोज़ प्लांट के अंदर डालना है। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ एंड तक, और जानिए कैसे आप रोज़ रोज़ प्लांट की केयर करें और कैसे फर्टिलाइज़र को यूज़ करें, और साथ ही साथ आप देखिए फ्लावर का साइज़ आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं।